जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ और आज हम आपको पेड़ पौधों के बारे में ही बताने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था वो कौन कौन से पेड़ हैं जिनको घर में लगाना नहीं चाहिए, इससे आपको नुकसान होता है। दूसरा मैंने आपको जो वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको धन संपत्ति चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके वहाँ से कर्जा हट जाए, तो आपको कौन कौन से पेड़ अपने घर में लगाने चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, किसी ने कुछ किया कराया है, उपरा है और प्रेत आ गया है, ये सब चीज़ें यदि आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएँगे कि उससे पहले मैं आपसे बोलूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप कोई समस्या से ग्रसित हैं, चाहे कोई भी हो, तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं वॉइस मैसेज में। प्लीज़ 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 कॉल मत कीजिएगा और सिर्फ मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं जवाब सबको देती हूँ, तो आपको भी दूँगी। और हाय हेलो मत लिखिएगा, सीधे आप अपने प्रॉब्लम को लिख के या बोल के भेज सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ हाय 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 हेलो हेलो लिखते रहते हैं, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, मत भेजिएगा। और ऊट पटांग शायरी और वो मैसेज और वो वीडियो ऑडियो भी मत भेजिएगा। सिर्फ आपको, ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है तो आप मुझे प्रोफेशन ही पूछिएगा। कुछ लोग फ़नी वीडियो भेज देते हैं, कुछ लोग पिक्चरें भेज देते हैं, पता नहीं क्या क्या भेजते हैं, समझ में नहीं आता उनको, तो ये सब मत भेजिएगा क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से वो पेड़ लगाने चाहिए जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। तो नंबर वन पे ऐसा जो पेड़ हैं उसमें आता है जो आपके घर में बहुत ही कॉमन है, नेगेटिविटी को काटता है, उसको बोलते हैं तुलसी का पेड़। आप तुलसी का पेड़ जब भी लगाएंगे अपने घर में तो आपकी नेगेटिविटी को काटता है तुलसी का पेड़। तुलसी के पेड़ को सुबह आप जल से सींचिए, शाम को उसके आगे दीपक जलाइए, तुलसी के पत्तों को खा भी सकते हैं। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होती है उसे काटता है। बस संडे को आपको तुलसी से दूर रहना चाहिए, संडे को तुलसी के पास भी नहीं जाते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो पौधा आता है वो आता है हल्दी का। हल्दी का पौधा भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करता है। यदि किसी ने कुछ किया कराया होगा या कुछ भी उल्टा सीधा होगा, यदि आपके घर में कोई बीमार भी रहता होगा तो उसे भी हल्दी का पेड़ दूर करता है। हल्दी का पेड़ नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म कर देता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आंकड़े का पेड़। आंकड़ा यानी श्वेता गणपति, आप इसके पेड़ को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। सबसे शुद्ध सबसे पवित्र पेड़ों में माना जाता है, भगवान श्री गणपति का निवास स्थान है इस पेड़ में। तो आंकड़े का पेड़ आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसे लगा सकते हैं। मेरे तो अपने घर में अपने आप से ईशान कोण में ही श्वेतार गणपति का पेड़ खुद ही निकल आया था और आज काफ़ी बड़ा हो गया है। कम से कम इस समय वो 8 महीने का तो है ही, क्योंकि जनवरी में निकला था तो अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है। तो उसको मैं बहुत प्यार से रखती हूँ क्योंकि वो मेरे घर में खुद चल के आया है, वो भी ईशान कोण में। तो गणेश जी मेरे घर में खुद ही चल के आए हैं। तो आंकड़े का पेड़ रख सकते हैं। आंकड़े का पेड़ उसी घर में होगा जहाँ पवित्रता रहती है। तो आंकड़े का पेड़ लगाइए, तुलसी का लगाइए, हल्दी का लगाइए। चौथे नंबर पर आता है नींबू का पेड़। नींबू का पेड़ बहुत पवित्र होता है, बहुत अच्छा होता है। आप जानते भी कि तंत्र में भी नींबू का बहुत प्रयोग होता है। नींबू की खासियत यह है कि नींबू अपने आसपास में जहाँ पे भी लगा होता है वहाँ पे जो भी नेगेटिविटी होती है उसे काट देता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। तो नींबू का प्रयोग वैसे भी हम करते हैं पूजा पाठ तंत्र में, लेकिन आप नींबू का पेड़ अगर अपने घर में लगाते हैं तो ये आपके घर से नकारात्मकता को दूर करता है और बीमारियों को भी दूर करता है, पॉजिटिवनेस लाता है। इसे नींबू का पेड़ लगाना है और मेरे घर में भी नींबू का एक पेड़ लगा है। नेक्स्ट नंबर पे आता है नीम का पेड़। नीम का जो पेड़ है उसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। नीम का पेड़ लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। यदि आपके घर में नीम का पेड़ लगा है और आप रोज़ नीम के पेड़ में पानी डाल रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये नीम का काम है। जिस घर में नीम लगा होता है वहाँ पे कीटाणु जीवाणु अपने आप मर जाते हैं, और नीम के पेड़ लगाने से आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। नीम को सूंघने से, नीम को खाने से, अगर किसी को
डायबिटीज़ है, वो खाली पेट नीम का पत्ता चबाता है तो उसको उसमें भी फ़ायदा होता है। यदि आप नीम के पत्तों को रगड़ के अपनी बॉडी पे टच कराते हैं, रगड़ते हैं, तो आपको कील, मुहासे, दाने, फोड़े, फुंसी की प्रॉब्लम भी ख़त्म होती है। तो नीम तो अपने आप में है ही अच्छा, आप इसके पेड़ को लगा सकते हैं। इससे भी आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो सकती है। अब आता है नेक्स्ट पेड़ बरगद का। बरगद की बोनसाई आप अपने घर में लगा सकते हैं। बरगद की बोनसाई लगाने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बरगद अपने आप में बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र पेड़ है। बरगद के पेड़ पे कच्चा दूध चढ़ाया जाता है हमेशा, याद रखना। तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध दीजिए, बरगद के पेड़ पे चढ़ाइए, इससे आपको भगवान की भी कृपा मिलेगी। क्योंकि बरगद के पेड़ में भगवान बृहस्पति का, यानी कि हमारे नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण का वास होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारे पेड़ हैं। साथ में आता है गेंदे का पेड़। गेंदे का पेड़ भी आपके घर में जो है नेगेटिविटी को काटता है, वातावरण को सुखमय बनाता है, आपके पारिवारिक जीवन को और वैवाहिक जीवन को भी शुद्ध और मधुर बनाता है। साथ साथ बताऊँगी कि कक्टस का पेड़ मत लगाना कभी भी अपने घर में। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि कौन कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा।